हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पे पाई चार्ट प्रॉब्लम, जिसको मैं आपको बहुत ही स्मार्ट और इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो आप किसी भी किताब में इन चीज़ों से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज़ गाइस, वॉच टिल टू एंड, एंड साथ ही साथ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन बेल आइकन के ही थ्रू आता है। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पाई चार्ट से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा एसएससी सीजीएल टीयर वन का क्वेश्चन आया हुआ है। 21 अप्रैल 2013 का ये हमारा क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस का। तो गाइस, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि पाई चार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी हम लोग कैसे स्मार्ट और इजी अप्रोच में कर सकते हैं, जब हमारे परसेंटेज बेस पे हो। तो चीज़ों को समझिएगा, और साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट जरूर बनाते हुए चलिएगा मेरे इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ वो बहुत ही यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे भी कि हम पाई चार्ट के क्वेश्चंस को भी कैसे कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से स्मार्ट अप्रोच में। तो देखिए गाइस, हमें यहाँ पे दे रखा है अप्रैल मंथ सैलरी है 24,000, और उसका ये डायग्राम है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, और यहाँ पे मई मंथ की सैलरी दे रखी है 25,000 रुपये, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। तो जैसे कि देखिए, ए बी सी डी ई में डिफरेंट डिफरेंट हमारे एक्सपेंसेस हैं। ए में हमारा 47 है, ई में हमारा 21% है, और बी में हमारा 18% है, सी में हमारा 4% है, डी में 14% है। सेम हमारे मई में भी एक्सपेंसेस दे रखे हुए हैं, 25% बी में है, और बी हमारा यहाँ पे देखिए सेविंग को शो कर रहा है, और ई हमारा देखिए, ई हमारा क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। डी हमारा क्या है, डी हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल फोन्स है, और सी हमारा है ग्रोसरी को डोनेट कर रहा है 40%, और ए देखिए हमारा क्या, एजुकेशन। तो ए हमारा एजुकेशन है, और वो कितना परसेंट है, 50% है। तो ये चीज़ें अब आप समझ रहे होंगे कि हमें जो पाई डायग्राम दे रखा है वो परसेंटेज बेस है। तो चीज़ों को अब समझिए, देखिए हमें पता है कि अपना जो कोई नंबर होता है वो अपने आप में परसेंटेज खुद 100% होता है ना। तो यहाँ पे जो ये हमें 25,000 रुपये दे रखा है, तो ये क्या है, अपने आप में 100% है। ओके, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं कहूँ कि 25 अपने आप में 100% है, तो इसका 10% कितना होगा, हमें पता है कि 10% हम लोग क्या करते हैं, एक डेसिमल शिफ्ट लगा देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 100 10% हो जाएगा। तो 1% हमारा कितना होगा, 1% हमारा फिर 10 कम हो जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, चीज़ें अब दिखने लगी यहाँ से कि हमें 100% पता है, 10% भी पता है, और 1% पता है। तो अब इन चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, 50% निकाल सकते हैं, 25% निकाल सकते हैं, और ये 2% भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए 1% हमारा 250 है, तो 2% कितना होगा, 500। देन डी 9% है, सी हमारा 14% है। तो इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम मैन्युअली मेथड फॉलो करेंगे। मैन्युअली मेथड इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जब परसेंटेज बेस में क्वेश्चन हमारे हों डी आई पे। अभी देखेंगे कि आपके हम कैसे इस क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे। सेम एज यहाँ पे अप्रैल मई की सैलरी देख सकते हैं कि 24,000 दे रखा है। तो मतलब क्या है, जो ये 24,000 हमें दे रखा है, ये क्या है, अपने आप में 100% है, खुद में 100% है। अब यहाँ से हम लोग 10% निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से एक 0 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। देन 1% भी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो 1% कितना हो जाएगा, 240। चीज़ें समझ रहे हैं ना, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग अपने इस जो हमने ये डायग्राम बनाया है इनकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे और सीखेंगे भी कितनी जल्दी ये हमारे हो जा रहे हैं। तो चीज़ों को समझिए, और इन चीज़ों को भी अभी हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने क्वेश्चंस को आंसर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस कि इन चीज़ों को आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स में सीखिए, मैन्युअली करेंगे तो कितनी कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप इस तरह करेंगे क्वेश्चन मैन्युअली को, तो वो क्वेश्चंस में टाइम ही अप हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें कैलकुलेटिव होती है परसेंटेज में, फिर उसको 100 से
मल्टीप्लाई करना है, तो चीज़ें क्या है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और एक दो डिजिट गलत हो गए तो आंसर पूरा मिसमैच हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे और हेल्प करेंगे 100%, 10% और 1% की जो हमने ये बनाई है। ये तो आप निकाल सकते हैं खुद ही, क्योंकि बस हमें क्या है एक 100 शिफ्ट करना है। तो यहाँ से देखिए हमने 100%, 10% और 1% निकाल लिया ना, तो ये चीज़ें रिलेटेड इन्हीं से हैं और इन्हीं के थ्रू हम अभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। और चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन एजुकेशन इन मई मंथ देन अप्रैल मंथ। मतलब कि क्वेश्चन हिंदी में अगर कहें तो कह रहा है कि अप्रैल माह की तुलना में, मतलब कि कंपैरिजन हो रहा है कि अप्रैल माह की तुलना में मई माह में कितने में शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ हमें निकालना है और हमें इसको मैन्युअली मेथड नहीं करना है और चीज़ों को समझ के करेंगे, लॉजिक बेस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे। वेल गाइस, कभी आपने एसएससी सीजीएल की डीआई पोर्शन को कभी देख के ये चीज़ें आपने थिंकिंग की है कि डीआई को हम लोग लॉजिक बेस पे भी कर सकते हैं कि बस थोड़ा सा भी हिंट मिलेगा और उसको हम टिक लगा देंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि जो एसएससी सीजीएल की डीआई होते हैं उसमें हमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं होता है। इससे ये कन्फर्म होता है कि अगर हम ज़रा सा भी हिंट ले लें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये हिंट दे देता है कि ये क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं होता है। बैंक में नन ऑफ दिस होता है तो इसका मतलब क्या, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ लानी पड़ती है डेसिमल के बाद भी। लेकिन यहाँ पे डीआई में, एसएससी में ये एडवांटेज है कि हम सिर्फ हिंट पे भी आंसर लगा देंगे। तो गाइस देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं हिंट पे ही लगाऊंगा, बट थोड़ा सा सॉल्व करूंगा उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लगा दूंगा। ज़रूरी नहीं कि हमें इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़े, पॉइंट के बाद निकालें। हिंट बहुत लॉजिक काम करता है। अब देखिएगा, इन चीज़ों को समझिएगा कि एसएससी सीजीएल में जो डीआई आती है वो लॉजिक बेस पे ही हो सकता है, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं होता है। इस चीज़ को समझिएगा और अभी देखिएगा इसको मैं कैसे लॉजिक पे आंसर लगा दूंगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अप्रैल माह की तुलना में मई माह में शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देख लेते हैं अप्रैल माह, ये हमारा क्या है, अप्रैल, और ये मई। तो मई में, अप्रैल में एजुकेशन से हमें पूछ रहा है ना, तो एजुकेशन हमारा क्या है, ए है। देखिए यहाँ पे ए है ना, तो ए में कितना, अप्रैल में 47%, और मई मंथ में कितना है, मई में हमारा है 50%। और गाइस मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया है ना कि ये पूरा जो होता है, जो 50,000 हमारे 25,000 है, ये क्या खुद में 100% है ना, और ये जो 24,000 है ये भी खुद में अपने 100% है। तो देखिए ये हमें क्या निकालना है, 50% निकालना है। तो मतलब क्या है कि एजुकेशन का, और एजुकेशन में ए कितना है, 50% है। तो हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं एजुकेशन पे, मतलब कि ये हमारा 50% कितना हो जाएगा, ये जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 50% हमारा क्या होगा, जस्ट 25,000 का हाफ, तो कितना हो जाएगा, 12,500। चीज़ समझ में आई? और देखिए, और हमें 47 निकालना है, तो 47 हम कैसे निकाल सकते हैं, 50% माइनस 3%, ये करके निकाल सकते हैं ना। तो चीज़ों को समझिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे अप्रैल का निकाल, तो जैसे कि हमने कहा कि 24,000 जो है हमारा वो 100% है, देन 10% हमारा क्या हो जाएगा, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा 2400 हो जाएगा। और 1% क्या होगा, 1% हमारा हो जाएगा 240। ये मैं अप्रैल का निकाल रहा हूँ। तो देखिए अब 50,000 यहाँ से क्या होगा, देखिए 10% हमारा कितना है, 2400। सो गाइस देखिए 10% हमारा 2400 है, तो 50% क्या हो जाएगा, जस्ट 2400 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12,000। तो मतलब क्या, 50,000 हमारा कितना हो जाएगा, 50,000 हमारा 12,000 हो जाएगा। ये चीज़ आप नहीं समझे? तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये जो 2400 हमारा दे रखा है 10%, और हमें 50% निकालना, उसमें से हम 3% माइनस कर देंगे, तो हमारा एजुकेशन का 47 का एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि हमें 50% पहले निकाल लिया, तो 2400 हमने पता है, 2400 हमें पता है 10% है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2400 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, तो ये हमारा 50% हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। वही चीज़ हमने किया, तो 50% 12,000 और माइनस
3% करना है, तो 3% कैसे, 1% हमारा कितना है 240, तो 3% इसी को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 240 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3% आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, फिर ये हमारा हो जाएगा 720, और फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 11,280 हो जाएगा। तो मतलब कि क्या है, ये हमारा 47% कितना आ गया, 47% हमारा आ गया 11,280, और ये हमने निकाली लिया क्योंकि इसको कैलकुलेशन करनी नहीं थी, क्योंकि हमें 50% हमें पता है, क्योंकि 25,000 हमारा 100% है, तो जस्ट इसका हाफ हमारा 50% हो जाए तो 12,500 हो गया। अब कंपैरिजन देखते हैं, इन चीज़ों को आप समझ गए ना, क्योंकि मुझे ये चीज़ें रफ़ करनी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, अब हमें परसेंटेज निकालना है कितना अधिक है, बट हम इन चीज़ों को नहीं निकालेंगे, हम लॉजिक पे आएंगे। अब समझिए, क्योंकि हमें दो वैल्यू पता चल गई हैं, अप्रैल माह में एजुकेशन है 11,280 और मई में एजुकेशन में कितना है 12,500। अब इन चीज़ों को हम देखिएगा कैसे करते हैं कंपैरिजन, और हिंट से अपने आंसर्स लगा देंगे, मैं रफ कर रहा हूँ। सो देखिए, अप्रैल माह में हमने कितना अमाउंट निकाला है एजुकेशन का, अप्रैल में हमने निकाला है 11,280, और मई मंथ में क्या है, मई में हमने निकाला है 12,500। अब देखिए इंक्रीज़ कितना हुआ है, वो चीज़ निकालना है, तो क्या है इनका डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 12,220। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो ये 12,220 आया है ये अप्रैल मंथ का, देखिए क्या अप्रैल मंथ की तुलना में, तो मतलब अप्रैल मंथ से तुलना कर रहा है, मतलब कि इसका कितना परसेंट है। तो गाइज अब लॉजिक शुरू हो रहा है, और इस चीज़ को समझिएगा, हम परसेंटेज नहीं, हम निकालेंगे कि देखिए ये जब हम लोग इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे कि आप अगर मैन्युअली करना चाहें तो इसको 12,20 लिखेंगे, देन यहाँ पे 11,280 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आंसर, बट हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, हमें पता है जो ये कंपैरिजन हो रहा है ये तो 100% है ना, उसमें हमें निकालना है कि ये कितना प्रतिशत है, बात समझ रहे हैं ना, इन चीज़ को ये चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो समझिएगा अभी। तो देखिए गाइस, अगर हम कहें कि जो ये 11,000 जो हमारा निकला है 11,280, ये तो खुद में 100% है ना, और इसका 10% निकाल लेंगे, तो 10% कितना होगा, 10% इसका एक डेसिमल जीरो हट जाए तो 11,228 हो जाएगा। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया, लॉजिक हिंट मिल गई, क्योंकि देखिए हमें 1220 तक पहुंचना है और हम 1128 तक पहुंच गए, 10% हमारा कितना होगा 1128 आया है, और कितना कम है ये देख लेते हैं, तो मतलब कि 1220 को अगर हम 1128 से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 92, मतलब 92 हमें और देखना है कितना है, तो मतलब कि इतना तो हिंट हमें लग गया कि 10% तो है ही है, 10% तो है ही है ना, 10 डेसिमल समथिंग वो कितना है 92 के बराबर, देखना है कि 92% कितना है। तो बस अब ये लॉजिक से हम आंसर यहीं पे टिक लगा सकते हैं 10%, और हमें देखना है कि ऑप्शन में ये चीज़ देखना है कि 10% कौन सा है, तो देखिए ये 9% है हमारा आंसर, नहीं हो सकता ये बहुत ज़्यादा हो गया, 10% तो एटलीस्ट है ही है, लेकिन ये 2.35 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, 20% तो आउट ऑफ रेंज हो गई, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ ऑप्शन, हाँ 10 हमारा हो सकता आंसर, हो सकता क्या आंसर ही है, हमने टिक लगाया और आगे निकल गया क्वेश्चन में। तो देखिए गाइस ये कंपैरिजन करना था, हमने ये ना करके 1220 और 1180 ना करके, इस तरह ना करके, काट पीट ना करके, हमने सीधा ऐसे कंपैरिजन कर लिया कि जो अप्रैल से हमें तुलना करनी थी ना, क्वेश्चन में हमसे खुद कह रहा है कि अप्रैल में जो है क्या है, अप्रैल माह की तुलना में मई माह में शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मैंने वो डिफरेंस तो निकाल लिया 1220, और किससे कंपैरिजन कर रहा है अप्रैल से, तो अप्रैल हमारा क्या होगा 100% होगा, क्योंकि हमने आपसे खुद ही कहा है कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो इस नंबर का जो हमने क्या है 10% निकाला, तो 10 कितना है 1128 हो गया, तो 1128 मतलब क्या है कि 10% तो एटलीस्ट है ही है, और समथिंग क्या है हमने ये इसको 1220 माइनस 1128 किया तो कितना 92 और निकालना है परसेंटेज में, तो 92 समथिंग इतना ही होगा, लेकिन हमारा लॉजिक कह रहा है कि बस 10% है आंसर, क्योंकि हमें नन ऑफ दिस नहीं दे रखा है, और यही हमारा एसएससी का एडवांटेज होता है, क्वेश्चन को सिर्फ हिंट बेस पे करके आगे निकल लो, समझ गए ना गाइस।
चीज़ों को आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कैसे कंपैरिजन किया। जल्दी से चीज़ें आसान हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, ऐसे ही लॉजिक बेस पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट फॉर सेविंग इन अप्रैल मंथ सैलरी एंड मिसलेनियस इन मई मंथ सैलरी। अब गाइज ये हमारा देखिए रेशियो का है और कह रहा है कि क्वेश्चन में कि अप्रैल माह की वेतन में से की गई बचत, मतलब अप्रैल माह की वेतन जो है उसमें से की गई बचत, तो यहाँ पे सेविंग का क्या है, सेविंग हमारा क्या है, बी, तो बी हमारा कितना है, 18% क्या सेविंग है अप्रैल मंथ। देन क्या कह रहा है, मई माह की वेतन से विधिक, मतलब कि विधिक मतलब क्या है, मिसलेनियस, तो मई मंथ में मिसलेनियस क्या है, ई, तो मतलब ये क्या है, 2% के बीच अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सेविंग ऑफ अप्रैल, तो सेविंग ऑफ अप्रैल का कितना परसेंटेज हमें दे रखा है, 18%, मतलब 18% हमें निकालना है। देन तो हम लोग 18% निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखिए लॉजिक ये लगा सकते हैं कि 20% माइनस 2% कर देंगे तो कितना हमारा 18% आ जाएगा ना, समझ लेना बात, तो यही चीज़ हम लोग करेंगे। तो देखिए गाइस हमें पता है कि जो 24,000 है वो 100% है और 10% इसका कितना है, 10% इसका 2,400 होगा, बात समझ रहे ना, तो मतलब कि क्या है कि 2,400 हमारा 10% है, तो जस्ट इसका डबल हमारा क्या 20% हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 48,800 हमारा कितना जाएगा 20% हो जाएगा। तो देखिए ये 20% माइनस 2% करना है, तो यहाँ से हम इसको 4,800 लिख सकते हैं ना, और माइनस 2% निकालना है, तो देखिए अब 1% हमारा कितना होगा, 1% हमारा कितना होगा 240 होगा, 240 होगा तो इसका मतलब 2% कितना हो जाएगा 480, तो ये 2% हमारा 480 हो जाएगा, बस माइनस कर लेंगे तो हमारा 18% आ जाएगा। तो गाइस इसको माइनस करेंगे, 4,800 माइनस 480 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,320, ये हमारा सेविंग ऑफ अप्रैल मंथ की आ जाएगी बी का जो है। चीज़ें समझ रहे हैं ना, इसको मुझे गाइस रफ़ करना है और इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ, फिर हम लोग मई का निकाल के देखते हैं। तो मैं रफ़ कर रहा हूँ, चीज़ें आप समझ गए होंगे, अगर ना समझे हों तो एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो को पीछे स्किप कर लीजिए। चलिए अब हम लोग निकालते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ मई। नाउ गाइस अब हम लोग निकालेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ मई, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वो कितना परसेंट हमें दे रखा है, हमें 2% दे रखा है, ई हमारा कितना है, ई हमारा 2% है। तो गाइस अब देखिए 25,000 हमारा क्या है, 100% है ना, तो यहाँ से हम 10% कितना मान सकते हैं, 10% हमारा हो जाएगा 2,500, और फिर 1% हमारा कितना हो जाएगा, 250, तो मतलब क्या है, 250 हमारा 1% है, मतलब कि 1% हमारा 250 है, तो 2% कितना हो जाएगा, जस्ट डबल, तो 500 हो जाएगा। तो देखिए मिसलेनियस हमारा आ गया 2%, 500। बस अब हमें क्या रेशियो निकालना, तो रेशियो किनके बीच निकालना है, सेविंग और एक्सपेंसेस के बीच में निकालना है। तो बस हम लोग अब रेशियो पे आते हैं, तो ये हमारा सेविंग हो गया, सेविंग हमने कितने निकाला है, 4,320, और रेशियो में कितना है मिसलेनियस, तो मिसलेनियस हमारा कितना है 500। तो गाइस देखिए अब यहाँ से ये दो ज़ीरो से दो ज़ीरो हमने काट दिया, अब इसको अगर हम लोग दो से डिवाइड कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 216:25। सो नाउ गाइस ऑप्शन ए इज राइट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं और अच्छे से भी समझ रहे होंगे, तो इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा 10%, 100%, 1% पे लाके, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं, जल्दी से आंसर लाने में। चीज़ें समझ भी गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ मे द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी आर, मतलब कि हमें बताना है अमाउंट ग्रोसरी और इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्च हुआ है अलग अलग, क्योंकि ऑप्शन में भी हमें देखिए अलग अलग दे रखा है। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक चीज़ हमें लॉजिक काम करना चाहिए, क्योंकि
ऑप्शन में हमें नन ऑफ दिस नहीं दे रखा है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अब हम लोग इसमें से अपनी चॉइस में है कि हम इसमें पहला कौन सा निकालें, ग्रोसरी निकालें या बिजली निकालें। अगर एक सिर्फ एक ही निकालना होगा, ज़रूरी नहीं कि हम दोनों निकालें, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं दे रखा है। अगर हम बिजली का निकाल लेंगे तो ऑप्शन हमारा वही हो जाएगा राइट, ज़रूरी नहीं कि फिर हम इसको निकालें। बात को समझ रहे हैं ना, या हम ग्रोसरी निकालें तो बिजली निकालने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा आंसर टिक कर देंगे और अपने आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एसएससी एडवांटेज हमें ये देता है कि इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं देता है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं देता है, इस चीज़ का हमें एडवांटेज मिलता है यहाँ पे। अब चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। तो जब सपोज़ करिए कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, ग्रोसरी निकालेंगे या बिजली निकालेंगे, ये मेरे पे डिपेंड है कि हम क्या निकाल रहे हैं। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का हम निकालना है, कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, और हमें मई मंथ का पूछ रहा है। तो गाइस देखिए, ये हमारा 25,000 हमें तो 100% पता ही है। देन 10% इसका क्या हो जाएगा, 10% इसका 2,500 हो जाएगा। देन 1% इसका कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 250। ये चीज़ तो समझ गए होंगे, इस चीज़ को आपने भी कर लिया होगा। और हमें इलेक्ट्रिसिटी का कितना एक्सपेंसेस दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा देखिए क्या है, डी है, तो ये हमारा डी है कितना, 9%। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, 9%, मतलब कि क्या है, हमें 9% निकालना है। तो गाइस देखिए, 10% तो हम 9% निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 10 माइनस 1% कर सकते हैं ना। तो 10% हमने देखिए यहाँ पे निकाल ही रखा है, 10% हमारा कितना है, 2,500। तो 10% हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,500, और -1% कितना है, 250। तो बस माइनस कर देंगे इसको इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2,250। नाउ दिस इज अवर आंसर। तो बस ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे 2,250 है। तो देखिए ऑप्शन फोर्थ में नहीं है, ना थर्ड में, ना टू में है, और सिर्फ ऑप्शन हमें वन में है, 2,250। तो बस ये हमारा आंसर। अब जरूरी नहीं है कि हम ग्रेसरी का भी निकालें, ग्रोसरी जरूरी नहीं है, बस हमारा आंसर आ गया, हमें आंसर से मतलब है, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि चलिए आप लोगों ने ग्रोसरी का भी निकाला हो, सिर्फ एक का निकालना है, बाकी दूसरा नहीं निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमारा ग्रोसरी कितना परसेंट है, ग्रोसरी हमारा सी है, देखिए ना सी लिखा हुआ है, और ये कितना है, 14% है। तो ये हमें से ग्रोसरी हमें दे रखा है 40%। तो हम 40% कैसे निकालेंगे, 10% प्लस 4%। तो 10% हमें पता है कितना होता है, 10% हमारा 2,500 होगा, प्लस 1% हमारा कितना है, 250। तो इसका जब 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3,500 हो जाएगा। तो नाउ दिस इज़ अवर आंसर। अगर हमने ग्रोसरी से भी निकाला होगा तो सिर्फ हम इसमें दोनों में से कोई एक का निकालेंगे, दोनों का नहीं निकालेंगे। ओके समझ रहे हैं ना आप, मैं जो कि आपको समझाना चाह रहा हूँ। बस ऑप्शन ए इज़ राइट, आगे बढ़ चलेंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का DI सेशन। आई नो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई है। बस 10%, 100%, 1% के थ्रू आप जो पाई चार्ट हमारे परसेंटेज प्रॉब्लम होती है उनको आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, और बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएंगे, कैलकुलेशन कम हो जाएगी इसमें। ये इसलिए चीज़ों को बताना ज़रूरी था। सो प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से बुक्स निकालिए प्रैक्टिस सेट की, और उस टाइप के क्वेश्चन को खोज के ऐसे प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी आप सीखे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई नो आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, सो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव उन लोगों तक आने का है जो घर पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि कोचिंग्स की इतनी ज़्यादा फीस होती है वो, सो वो घर पर ही प्रैक्टिस करते हैं। सो प्लीज़ गाइज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए,